गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटल शार्क्स. हम सब मानते हैं कि इलेक्ट्रिक कार इज द फ्यूचर, पर क्या आपको पता है एक इलेक्ट्रिक कार की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में 9 मेट्रिक टन से ज्यादा CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है. नॉर्मली एक इलेक्ट्रिक व्हीकल होम नेटवर्क पे चार्ज होने के लिए 5 से 7 आवर्स का समय लेती है और DC सुपर स्टेशन पे चार्ज होने के लिए 1 से 2 आवर का समय लेती है. इतना समय देने के बावजूद हमें सिर्फ 300 से 500 किलोमीटर की रेंज मिल पाती है, जो कि किसी भी कंज्यूमर में रेंज एंग्जाइटी क्रिएट करने के लिए काफी होती है. दिस साइड हर्षल महादेव लक्षण है, CEO एंड फाउंडर ऑफ AI Cars Private Limited, India's first artificially intelligent hydrogen based vehicle manufacturing startup. Wow. मैं यवतमाल से आया हूँ शार्क्स. मैंने और मेरे टीम ने सिर्फ 18 महीनों में हमारे घर के पीछे एक छोटे से गैरेज में ये कार को बनाया है. फ्यूचर का फ्यूल यानी हाइड्रोजन फ्यूल से पावर्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल हमारे व्हीकल में यूज होता है, जिसमें आपको सिर्फ 3 से 5 मिनट के रिफ्यूलिंग टाइम में 1000+ किलोमीटर की रेंज मिलती है. इतना ही नहीं, हमारे AI बेस्ड एल्गोरिदम के वजह से आप हमारे व्हीकल को इंडियन रोड्स पर ऑटोनॉमसली, मतलब खुद ब खुद चलने के लिए भी डायरेक्ट कर सकते हो. मेरा सपना है कि आप सबकी मदद से मैं इस छोटे से गैराज में हुए स्टार्टअप को एक ग्लोबल ऑटोमोबाइल कंपनी में कन्वर्ट कर दूं. मेरी आस्क है 2 CR for 4%. सो शार्क्स, आर यू रेडी टू पावर्ड बाय AI कार्स? वेलकम टू शार्क टैंक. थैंक यू. फ्रॉम अ जेंटल शार्क. यस सर. थैंक यू फॉर द न्यू मोनिकर आल्सो. लेकिन भाई, AI कार विदाउट कार तो बात नहीं बनती है ना. गाड़ी कहाँ है? गाड़ी नहीं लाए. सर, यू वॉन्ट टू सी द कार? आई वॉन्ट टू ड्राइव इट. आई वॉन्ट टू सिट इन इट. सर, आई वुड सजेस्ट लेट्स टेक अ ड्राइव. चलो भाई. Oh my god. चला कौन रहा है? I will drive. मैम जाओ अंदर. जाने नहीं जा रहा. Go Vinita. Okay. हलो हलो हलो. अच्छा, ये अभी क्या? मेरा भाई नहीं भाई, हर्षल भाई. हाँ हाँ मैम. हलो, आपने छोड़ दिया? हाँ. पैर हटा ले, पैर ऊपर कर ले. नहीं सर, वो ब्रेक के पास पैर रहना जरूरी है. ट्रैफिक में डाल दे गाड़ी, वहाँ देखते हैं क्या होता है. भाई यार, वही तो बात है ना. भाई ये टर्न मस्त मारा तुमने. कितना चलाया AI पे? किलोमीटर कितने? AI पे 300 किलोमीटर चला है. 300 ही चला. और हाइड्रोजन पे कितना चला? हाइड्रोजन पे 4000 घंटे हो गए अप्रोक्सीमेट. ये क्या खींच रहे हो अभी? ये सर एक्सीलरेटर है. एक्सीलरेटर? हाँ हाँ. वेलकम बैक. चलो, मतलब टर्न अच्छा किया गाड़ी ने, अपने आप किया विदाउट यू टचिंग. इतना समझ गया. और पिकअप नहीं है और एक्सेलरेशन नहीं है. Very good looking car. Nice drive. Thank you, ma'am. पर हर्षल भाई, मानना पड़ेगा कि यवतमाल से आपने ये बना दी. It's phenomenal. कैसे? मतलब I'm sure your parents are very proud. Yes, ma'am. My parents are very proud. मेरा बचपन से सपना था कि इंडिया के पास एक स्पोर्ट्स कार होनी चाहिए खुद की. बट मुझे इसमें डीजल या पेट्रोल इंजन पे नहीं जाना था. मैं दूसरे अल्टरनेटिव फ्यूल्स पे रिसर्च कर रहा था. तो 2014 में मैंने छोटा सा फ्यूल सेल बनाया था जो 3 वोल्ट्स के अप्रोक्सीमेट रहता है. फिर जाके 2017 में मुझे ऐसा मिला जो 65% तक इफिशियंट था. मैंने बोला कि इसमें और थोड़ी इंप्रूवमेंट करके इसका स्टैक्स बढ़े करके हमें कार में क्यों ना लगा सकते. तो 2019 तक हमने एक 15 किलोवाट का अप्रोक्सीमेट 75% इफिशियंसी देने वाला फ्यूल सेल बना लिया था, पूरे हैंडमेड पैनल से बाय हैमर एंड यू नो द बेसिक टूल लाइक दैट. भाई आपकी उम्र कितनी है? 27 सर. और 2015 से कर रहे हैं आप? हाँ हाँ. मतलब when you were 19? Correct ma'am. My God. Generally हम जो देख रहे हैं टेस्ला हो या इंडिया में भी जो भी कर रहे हैं वो EV powered autonomous driving की तरफ जा रहे हैं. तो ये क्यों आपने सोचा कि इसको दोनों को कंबाइन करते हैं? नॉर्मली क्या होता है सर, जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को 3 से 5 लाख किलोमीटर चलाते हैं तो उसमें बैटरी रिप्लेसमेंट की नौबत आती है और उस समय बैटरी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट उस व्हीकल से 50-60% तक पहुंच जाती है.
ऑन अदर हैंड हमारे फ्यूल सेल में 15 लाख प्लस किलोमीटर चलने के बावजूद इसके फ्यूल सेल में कुछ मेजर रिप्लेसमेंट या रिपेयर की कॉस्ट नहीं होती है। अच्छा, और अभी जो हम करके आए, आपकी गाड़ी में घूम के आए, जो हमने देखा, एक जगह जाके आपने छोड़ दी और वो AI ने टेक ओवर कर लिया। करेक्ट सर, करेक्ट। वो अपने आप टर्न किया, व्हिच इज वेरी इंप्रेसिव, क्योंकि टाइट लेन थी, लेकिन थोड़ा सा क्लंकी लगा एक्सपीरियंस। हम थोड़ी सी चढ़ान पे आए तो गाड़ी अपने आप थोड़ी स्ट्रगल कर रही थी चढ़ने में। करेक्ट, करेक्ट। फर्स्ट प्रोटोटाइप है सर हमारा ये, हमने ये घर के छोटे से गैराज में बनाया है और काफी कम फंड्स में और बेसिक टूल के साथ बनाया है, इस वजह से अनफिनिश्ड है। कितने फंड्स लगे ये बनाने में? तकरीबन 60 लाख रुपीज लगे है। कहाँ से लाए आप? एक्चुअली कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिली से लिए, इसके अलावा मेरे एक बिजनेसेस थे, उसमें से जितनी सेविंग हो पाई उतनी सेविंग करके मैंने ये कार डेवलपमेंट में पूरा पैसे लगा दिए। ऑटोनोमस ड्राइविंग, आपने सिर्फ 300 किलोमीटर किया ये गाड़ी में। दुनिया में जो ऑटोनोमस ड्राइविंग के लीडर्स हैं उन्होंने लाखों किलोमीटर अब तक कर चुके हैं। जैसे गूगल ने किया है, टेस्ला ने किया है, तो उनके पास जो डेटा है और जो मॉडल्स है फार फार सुपीरियर है। Correct. तो अगर आप कम्पीट करने जाओगे आज, आपका मॉडल हार जाएगा। जो भी फॉरेन कंपनीज AI इंटीग्रेट करते हैं वो सिर्फ लेन मार्किंग को फॉलो करते हैं, बट हमने AI में ऐसे एल्गोरिथम इंटीग्रेट किए हैं जो इंडियन रोड्स के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन और डेवलप्ड है, जहाँ पे हमको लेन मार्किंग की जरूरत नहीं है। आप AI इंजीनियर हैं? नहीं सर। तो किसने किया ये AI? मेरा एक कजन ब्रदर है प्रज्वल, उसने वो डेवलप किया है। पर आपको AI करने की इतनी जल्दी क्या है? आपने ऑलरेडी यूज केस बताया कि इलेक्ट्रिक कार की रेंज प्रॉब्लम होती है। मैंने खुद अभी 1500 किलोमीटर टेस्ला चलाई थी, वो 400 भी नहीं चलती है, वो 200 किलोमीटर में बहुत स्ट्रेस हो जाता है, बार बार चार्ज करना पड़ता है 6-6 घंटे। तो हाइड्रोजन कंपेयर टू इलेक्ट्रिक इतनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, उसमें आप जबरदस्ती AI की झंझट में पहुंच ही क्यों रहे हो? इंडिया में एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, एक तो हाई स्पीड की वजह से और ब्लाइंड स्पॉट की वजह से। सारी प्रॉब्लम तो एक स्टार्टअप नहीं सॉल्व कर सकती ना। इंडिया में इतनी नई चीज के लिए कंज्यूमर तभी बाय करेगा जब एक ट्रस्ट हो। इतने डेंजरस कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के लिए मेरे जैसी कंज्यूमर आपको क्यों ट्रस्ट करेगी? क्योंकि इमरजेंसी ब्रेकिंग के लिए काफी यूजफुल रहेगा AI सिस्टम हमारा। वो व्हीकल डिटेक्ट कर लेगी कि 500 मीटर तक कौन से व्हीकल स्लो हो रही है, जिसका इंपैक्ट आपके व्हीकल को क्रैश होने के लिए हो सकता है, तो वो फीचर आपको जरूर यूजफुल रहेगा। वो दो भी उसने जान बचा लिए तो फिर इनडायरेक्टली ये व्हीकल को लोग ट्रस्ट करना चालू कर देंगे। वो सारा टेस्ला वेस्ला के AI में है ऑलरेडी। जो अप्रोच टू टेक्नोलॉजी करते हैं डिफरेंट तरीके से। फर्क क्या है? वो लिडार यूज करते हैं ना? करेक्ट, करेक्ट। हमारे आप क्या यूज करते हो? कैसे चलता है आपका ऑटोनोमस ड्राइविंग? 3D कैमरास और अल्ट्रासोनिक सेंसर्स है। तो वो क्यों यूज करते हैं लिडार? टेस्ला ने भी इवन 3D कैमरा में शिफ्ट कर लिया है, बट वो ऑब्जेक्ट उसमें प्लास्टिक है या स्टोन है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन आप कर पाते हो? हाँ सर, बिल्कुल। मुझे क्या लग रहा है ना, आप 8 साल से अपनी दुनिया में खो गए हो। आप टेस्ला और गूगल इनसे सबसे सुपीरियर है आपकी टेक्नोलॉजी, ये क्लेम कर रहे हो आप। मतलब थोड़ी सी बातें कहीं बैठ नहीं रही है यार। बट सर, हमने इनिशिएट किया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा अचीव कर लेंगे इसमें। हिम्मत इज ग्रेट, लेकिन हिम्मत और बेवकूफी में कभी कभी बहुत कम फर्क होता है। करेक्ट सर। अच्छा हर्षल। यस मैम। इस स्पेस में कंपटीशन क्या है? लेट्स स्टार्ट विद हाइड्रोजन फ्यूल। टोयोटा की मिराई कार है, उसके अलावा ह्यूंडई की नेक्सो कार है। ये दो कार से जो हाइड्रोजन पे चलती है, जिनके सबसे ज्यादा सेल्स है अभी फिलहाल। कितना सेल्स है? टोयोटा मिराई के टोटल 24,000 सेल्स हुए हैं वर्ल्ड वाइड अभी तक। और क्यों नहीं बिकते हैं ज्यादा? कॉस्टिंग की प्रॉब्लम है। हाइड्रोजन फिलिंग यार, आप हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप हाइड्रोजन को फ्यूल अप कैसे करोगे? जब इतने बड़े ब्रांड्स आर डूइंग ओनली 24,000, 2 करोड़ से आप क्या करेंगे? गुड क्वेश्चन मैम। उसमें हम एक दूसरी जो हमारी डिजाइन वाली व्हीकल है उसको हम पूरी तरह से बनाएंगे और उसको गवर्नमेंट में होमोलोकेशन सर्टिफिकेट के लिए देंगे, जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल को व्हीकल के साथ अप्रूव करेंगे, फिर हम उसके कितने भी कॉपीज बना के मार्केट में सेल कर पाएंगे। और इंफ्रा कैसे बनाओगे, जो ये इंफ्रा का चैलेंज है? रिलायंस और अंबानी ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में, और इवन इंडियन ऑयल ने 2-3 जगह पे। तो कब तक इंडिया में इंफ्रा आ जाएगा? ये 3-4 सालों में तो हमको हर मेट्रो सिटी में 1-2 फ्यूलिंग स्टेशन देखने को मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक के आउटलेट से तो फास्ट ही आएगा ये, क्योंकि 5 मिनट लगते हैं रिफिल करने को। पिछले 20 सालों में कितनी नई कार कंपनीज आई है? एक टेस्ला नहीं, और चाइनीज भी आई है 2-3 जो बड़ी बनी है, करें, है ना? करें। और एक टेस्ला। तो एक तरफ है इनकम्बेंट्स, दो जर्मन कार मेकर्स है, US कार मेकर्स है, जापानीज कार मेकर्स है ब्रॉडली, इंडियन कार मेकर्स, और दूसरी तरफ है 2-3 ऐसे उदाहरण जो पिछले 20 साल में बने हैं, जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दिए और टेक्नोलॉजी को इतनी आगे पहुंचा दिया है कि उसको कैच अप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। 60 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़ में भी कुछ नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। तो आप 2 करोड़ से कहां पहुंच जाओगे?
शायद एक बेटर वर्जन बना लोगे, लेकिन असेंबली लाइन कहाँ से लगाओगे, डिमांड कैसे जेनरेट करोगे, एक ब्रांड कैसे बनाओगे, उसके लिए तो वही लगेगा बिलियंस ऑफ डॉलर्स। बट सर, मैं पहले 5 ही गाड़ी सेल करूंगा, बाद में 10 करूंगा, 15 करूंगा, तो असेंबली लाइन तो बन जाएगी ना सर। सबकी बोलती बंद है यार। I know. You know why? क्योंकि सबको आप पसंद हो। Thank you so much सर। आप अच्छे इंसान लग रहे हो, अच्छे वो लग रहे हो, बट कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है मुझे कि आपको समझ नहीं आ रहा कि ये ब्रांड और बिजनेस नहीं बन सकता गाड़ियों का आपकी तरफ से। देखो, अच्छी नॉलेज ले ली है, प्लीज कहीं अब आप जाके नौकरी कर लो अगर कर सकते हो, उन कंपनीज को हेल्प करो कि वो आपको जो नॉलेज आपने लिया वो शेयर करके वो लोग कार्स ले आए। हमने 8-10 साल लगा दिए, प्लीज कुछ और कर लो। आई एम आउट फॉर। थैंक यू सर। देखो, ग्रीन फ्यूल तो होगा, हाइड्रोजन बेस्ड कार्स बनेंगी, तो हम वो कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप उसमें डिस्ट्रैक्ट हो गए हो। AI कार्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स इज अ 10-20 साल दूर वाली रिक्वायरमेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। एनर्जी क्राइसिस तो अभी रियल है, अभी आ गया है, राइट? मैं अभी इससे बाहर हूँ, बट आई होप आप एक डायरेक्शन पकड़े, या तो आप AI में जाए या हाइड्रोजन में जाए, नहीं तो विद द लिमिटेड रिसोर्सेज आप बड़ा नहीं बना पाएंगे। विनीता, क्यों, आई एम सॉरी, लेकिन इसको गलत एडवाइस दे रही हैं। You know where hydrogen cars and technology has reached? Toyota और Honda ने next generation के fuel cells बना लिए हैं hydrogen। ये जो fuel cells बना रहे हैं अभी, आपने देखा किस तरह से चढ़ान चढ़ रही है? It is very rudimentary। Whatever he chooses, AI और hydrogen, ये बहुत बुरी तरह fail होने वाले हैं। The technology has gone way beyond। आपको एक जुनून है, एक दीवानापन है, तो आप करोगे जो आप करोगे। मैं out हूँ। Good luck। I completely agree with Anupam कि बाकी players बहुत आगे निकल गए, and for that reason I'm out। Thank you ma'am। बहुत बार founders जब कुछ crazy करते हैं ना, उनको बहुत सारे लोग बोलते हैं ये मत कर, ये नहीं होगा। Correct sir। है ना? और उल्टे साइड से एडवाइस मिलता है, prove them wrong। Yes sir। जो ईगो होती है ना बीच में अपनी, वो ना ये प्रूव देम रॉन्ग वालों की बात मानती है। करेक्ट। और वो जो रैशनैलिटी ऑफ जो ये लोग कह रहे हैं चलेगा नहीं, क्यों नहीं चलेगा, उसको ना बिल्कुल साइडलाइन कर देती है कि मैंने तो सुननी नहीं है तुम्हारी बात, मैं तो, तुम कुछ भी बोल लो, आई विल प्रूव यू रॉन्ग। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा अपना माइंडसेट देख ले कि ईगो कहाँ पे चल रही है यहाँ पे, और क्रेजीनेस कहाँ चल रही है। तुम सिर्फ प्रूव एवरीबॉडी रॉन्ग कर रहे हो या अपने आप को ही रॉन्ग कर रहे हो यहाँ पे। I'm out. Okay? All the best. Thank you so much. And very nice car. Enjoyed the ride. Thank you. ये मजा आ रहा है कि इंडिया में हमारे छोटे-छोटे शहर और गांव में भी लोग इतना बड़ा सोच रहे हैं। प्राइड फील होता है, लेकिन बुरा भी लगता है कि कोई गलत रास्ते पे जा रहा है। तो हमने तो कोशिश की, समझदार लड़का लगता है, शायद समझ जाए।